नमस्कार, मैं हूं आपके दोस्त हांगडाले और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। खेल प्रतियोगिताओं में हुए रोचक मुकाबले। महिला वर्ग में केकड़ी क्लब जयपुर और पुरुष वर्ग में भामोलावा ने जीते। कबड्डी में मुकाबले दशहरा मेला कमेटी के ओर से आयोजित 7 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला थमने के बाद खेल प्रतियोगिताओं के खिलाड़ी भी अगले बरस फिर आना के वादे लेकर किशनगढ़ से वादा लिया। कबड्डी में महिला वर्ग के केकड़ी क्लब जयपुर ने सरसड़ी केकड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया, जबकि पुरुष वर्ग में हनी गोल्डन क्लब भामोलाव ने नेशनल स्पोर्ट एकेडमी आखिरी को पराजित किया। T20 विश्व कप को लेकर पूर्व पाकिस्तान कोच का बड़ा दावा। इन दो टीमों के बीच होगा कांटेदार फाइनल मैच। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। बता दें कि T20 विश्व कप 2022 का आगाज आज यानी 16 अक्टूबर से हो गया है। इन टूर्नामेंट का पहला मुकाबला श्रीलंका और नामीबिया के बीच खेला जा रहा है। दरअसल T20 विश्व कप 2022 का आगाज हो चुका। बता दें कि श्रीलंका और नामीबिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान और श्रीलंकाई टीम के पूर्व कोच मिली ऑर्थल ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बीते दिन यानी 15 अक्टूबर को एक ट्विटर शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट का जारी किया है। कुछ घंटे बाद वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है, वही दो दिन अब दूर नहीं जब पाकिस्तान और श्रीलंका टीम को फाइनल में देखा जाएगा। भारत पाक महामुकाबले पर मंडराया संकट। अगर ऐसा हुआ तो हाथ मलते रह जाएंगे फैंस। सड़कों पर सन्नाटा, बाजार खाली, सिर्फ और सिर्फ मेलबर्न्स का मैदान और फैंस के शोर की आवाज। कुछ ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिल सकता है 23 अक्टूबर को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में महामुकाबले में। और से ऐसा भी क्यों ना, आखिरकार फैंस को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला फैंस नहीं देख पाएंगे जिस दिन का वो कब से इंतजार कर रहे हैं? अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बता दें इसके पीछे की वजह से महामुकाबले पर मंडरा रहा हुआ खतरा है। जी हाँ, ये संकट ऐसा है जो मैच को रद्द भी कर सकता है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।